आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपका कमेंट आया कि सर हमें इनके जैसा वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दीजिए, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्टडी इन हिंदी। आपका कमेंट आया कि सर इनके जैसा जो स्टडी इन हिंदी है, जिस तरीके से वो जीके के वीडियो बनाते हैं, उस तरीके से आप हमें बनाकर प्रोवाइड करा दीजिए। इसमें कितने ऐप की जरूरत पड़ेगी और अब आपको एक नया तरीका बता देंगे, क्योंकि जो तरीके से आप उस ऐप से करोगे वहां वो रुपए मांगने लगेंगे। तो सेम वही ऐप है, बस उसमें वो फंक्शन मिल जाता है, उसमें वो फंक्शन रुपए देते हैं, कुछ नहीं। सब प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो ये वीडियो पूरा देखना, और आप भी एक एजुकेशनल वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और आपको भी एक लैंडस्केप मोड पे वर्क करने के लिए पेन टैब खरीदना, जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप उस पेन टैब को खरीद सकते हैं। ये प्रॉपरली लैंडस्केप मोड पर वर्क करता है, तो जरूर आप उसको खरीदेगा और आप अपनी एजुकेशनल वीडियो को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो भी उनके जैसा आपने बोला चैनल वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, जब आप वीडियो को बनाओगे तो एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए जब आप वीडियो उसमें डालोगे तो नॉइज आएगी, नॉइज करने के लिए ऐप एक चाहिए होगा। फिर उसके बाद आप जब पीडीएफ बनाने के लिए एक अलग ऐप चाहिए होगा। फिर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलग ऐप चाहिए होगा। यानी इतने सारे ऐप चाहिए, तो कौन कौन से ऐप हैं, कहाँ मिलेंगे, पूरी डिटेल देंगे। और अभी स्क्रीन पर लेके चलें किस तरीके से पीडीएफ बनानी, वो भी बता देंगे। जो पीपीटी बनेगी, पावर पॉइंट एक ऐप चाहिए होगा, वो प्ले स्टोर पर आपको फ्री मिल जाएगा। पीपीटी से किस तरीके से मतलब जो बनानी है उनके जैसी सेम हम आपको बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। वो कहाँ मिलेगी वो हम आपको बता देंगे। मेरी टेलीग्राम की लिंक दी गई, आप वहां जुड़ जाइए, पीपीटी वहां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन पे इसमें भी लिंक दे देंगे, ड्राइव करके होगा, वहां से जाकर उस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको बनाना भी सिखा देंगे कि इस तरीके से पीपीटी बनेगी। और उस पीपीटी जो पीपीटी हम बनाएंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और किस तरीके से उस पर काम करना वो चीज और हम उसमें हम आपको बता देंगे। ध्यान रखना है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट में ही काम करती है, तो आपको पावर पॉइंट ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, तभी वो पीपीटी आपके उसमें अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए, तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है। आप कोई भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डर अच्छा है, क्योंकि हम उसका भी अभी तक यूज कर रहे हैं, तो उसका आप यूज कीजिए। उसमें वाटरमार्क नहीं आता जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, एक अच्छी बात यह है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए वो हो गया। उसके बाद एडिट ले सकते हैं, काइन मास्टर ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उससे आपको एडिट करना होगा। और उसके बाद आप जब आप वीडियो बनाओगे उसको नॉइस खत्म करने के लिए आपको नॉइस रिडक्टर चाहिए, वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ये इसका आइकन है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये सारी चीजें, ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट में आपको पीपीटी कैसे बनानी, उस पर कैसे काम करना, ये रहेगा। दूसरा पार्ट आपका आएगा उसको कैसे एडिट करना, नॉइस कैंसिलेशन कैसे करनी है, उसमें एडिट कैसे करना है, और बहुत सारी चीजें, ग्रीन स्क्रीन कैसे लगानी, वो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, पावर पॉइंट में जो पीपीटी बनती उसको कैसे बनाना है, और आप नहीं बना पा रहे हैं तो पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई, उस टेलीग्राम का भी नाम आसिफ अली टैग है। वहां पर हम थंबनेल जो आप बना नहीं पाते, उस तरीके की टेम्पलेट वहां भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बता दिया, आप सबसे पहले चलेंगे पावर पॉइंट में, उसमें पीपीटी कैसे बनाना वो बताएंगे, जो बना देंगे पीपीटी वो आपको हम प्रोवाइड भी करा देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको बता दें जो पीछे बैकग्राउंड होगा उसके लिए भी हम आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी आप समझ लो, कि जो स्टडी इन हिंदी वो जो पीडीएफ बनाते हैं, छोटे पेजों में वो पीडीएफ बनाते हैं, और जो पावर एमएस वर्ड है उसमें आप नॉर्मली पीडीएफ टाइप कर सकते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से वो टाइप करते हैं, तो ये क्या हो गया, कुछ दिन पहले एमएस वर्ड ये चीजें फ्री प्रोवाइड कराता था कि नॉर्मली आप जो पेज लेना चाहें ले सकते हैं, A4 साइज छोटा बड़ा। तो उसमें अब क्या हो गया है, जब उसको आप एमएस वर्ड को इंस्टॉल करोगे तो उसमें ये चीज अब उन्होंने आप रुपए दे के करनी पड़ेगी, यानी आपको A4 पेज को छोटा चाहिए तो आपको रुपए देने होंगे। तो वो चीज के लिए हमने सीधे आपको पावर पॉइंट बता दिया, क्योंकि पावर पॉइंट वही छोटी चीज आपको मिल जाती है, उसी की आपको हम पीडीएफ बनवा देंगे। पीडीएफ बनाने के बाद नॉर्मली उसमें आप पढ़ा सकते हैं, बस थोड़ी चीजें ध्यान रखनी होगी जो हम आपको उसमें बताएंगे कि ये चीजें आपको रखनी होगी ध्यान, तो ही उस पीडीएफ को अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बन रहा है तो प्लीज वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, जिन्होंने कमेंट किया है इंस्टा पे, शायद हमें टैग किया था उन्होंने वहां पे डाला तो उसके लिए बना है, तो आप भी अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी आप कमेंट करते हो तो ज्यादातर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।
तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको पावर पॉइंट मिले, चलते हैं वहाँ किस तरीके से वीडियो बनाना उसमें और बता दीजिए। आपको पावर पॉइंट इस तरीके के खोल लेना, उसके बाद देखिए प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये नेट के साथ नहीं चलता बिल्कुल ही, आप फ्री हो तब भी इसको चला सकते हैं। प्लस वाले आइकन पर दबाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेनी है, नो थैंक्स कर देना इसमें, और ये क्रिएट आपका पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इधर दाब के मतलब बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लेना है। अब आपको क्या क्या करना है इसमें चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले इसी से सब कुछ होगा, क्वेश्चन आपका इसी से टाइप होगा, और इसको लगा के यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से। और ध्यान रखना है जो हम टेम्पलेट आपको बनाकर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अभी हम आपको बताएं, ये तो बनाना सिखा दे रहे और प्रोवाइड भी करा देंगे, कहाँ मिलेगा वो वीडियो हमने शुरुआत में बता दिया है। तो हम इसको इस तरीके से कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसके हम थोड़ा डिज़ाइनिंग कर देते क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अभी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके आपको साइज अपने हिसाब से करना होगा क्वेश्चन जब लिखोगे, और लिखने के लिए आप जैसे इस पर टाइप करोगे ऑटोमेटिक ये आपका आ जाएगा, और हिंदी इंग्लिश आपका होना चाहिए। ये इस तरीके से हिंदी में हो गया, इधर हम बोलेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसके लिए, अब बात करते हैं ऑप्शन कैसे देने। और ध्यान रखिएगा ऊपर से थोड़ा पेज ढील देना है, जैसे ये हमने लिया। ठीक है, लेने के बाद इसको इस तरीके से कर देंगे, सिर्फ एक बार टेम्पलेट बनानी है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके फिर उसके क्वेश्चन को हटाकर इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, ये हो गया, उसको थोड़ा नीचे और लिया क्योंकि जब आप खोलोगे उसमें तो थोड़ी सी दिक्कत है। ये हो गया, अब इसमें आपको क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के लिए हमने बता दिया हिंदी इंग्लिश में, तो हम इसको बंद करते हैं और क्वेश्चन को टाइप कर देते हैं। पहले देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब देखिए बहुत ही छोटा है तो आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट कर लेना होगा इस तरीके से। इसके बाद इस साइज को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इतना कर दो कि वो बोल्ड कर दो, दिखना हो जाए। और इसका कलर बदलना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी बदल सकते हैं। अभी एक बार ये कलर वलर बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मली इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन डालना हो, क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका ये एक है, क्वेश्चन नंबर एक डाल दिया, यहाँ बिंदी लगा दी। ठीक है, इसको उठा के हम इधर लगा सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि इसका साइज कम है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके इसमें गए, फिर 28 से 28 की जगह आप कर दें 36, तो ये दिखने लगा है, आप देख लें इतना ठीक है, क्योंकि जब आप लैंडस्केप पे पढ़ाएंगे तो नॉर्मली दिखेगा। अब आपको ऑप्शन लगाने होंगे, ऑप्शन लगाने के लिए फिर आपको यही लेना होगा। सबसे पहले तो ऑप्शन छोटे छोटे ए बी सी कर दें। ठीक है, अच्छा इसको ले लेते हैं, ये डाल दिया। इस साइज को हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा कि ये ऑप्शन वाले हैं, तो ये 36 कर दिया। इसको सिलेक्ट करना होगा, ध्यान रखना इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। 36 कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे, जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं, ये रख लिया। हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन ए बना के इधर रख देंगे इसको। ठीक है, फिर से देखते हैं, इसको लिया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा उधर पेज ढील देना है, ये आपका ऑप्शन ए हो गया है। अब क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है और ऑप्शन यहाँ इसको बी लगा देना है, उल्टा हो गया, यहाँ से इसको सही कर सकते हैं, ऑप्शन इसको सही करके इधर बी डाल देंगे। ठीक है, ये हम आप बना के आपको दे रहे हैं, ये टेम्पलेट अभी हम आपको फ्री प्रोवाइड करा देंगे, ये आपका बी हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन आपको यहाँ डुप्लीकेट क्लिक करना है, फिर आपका एक ऑप्शन आएगा, फिर इसको इसे हटाओ, ऑप्शन यहाँ इस तरीके से करके ऑप्शन सी डाल देंगे इधर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसी ऑप्शन हम डी डालेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसमें एडिट ना हो रहा हो तभी ये खिसकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑप्शन डी डाल देंगे। ठीक है, ये आपके ऑप्शन बन गए हैं। अब आपको क्वेश्चन लिखने के लिए इसमें ये चाहिए, तो हम इस तरीके से
एक बार हमें करना होगा, जितने में लिखना होगा क्वेश्चन यहाँ लगा देंगे। ये रहा, इसको जूम आउट कम करते हैं। आपको ये बनाने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हमने ये टेम्पलेट आपको पीपीटी फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, इसमें थोड़ा सा लिखना था। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसमें ऑप्शन लगा देते, नहीं तो ये चला जाएगा। इसको हम ऑप्शन लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे बता। इसमें दो बार टैप करना, आपका ऑप्शन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसका साइज 36 कर देना, करने के बाद इसे बोल्ड कर देना, फिर आप नॉर्मली इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। इस तरीके का आ गया। अब हम इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको जूम आउट कम करेंगे और एक बार ऐसे दाबेंगे, फिर उसको उठा के इधर इसके पास लगाएंगे। ठीक है, ये दो हो गया, बिल्कुल फिक्स कर देना। फिर इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और तीन नंबर पे रख देंगे। इसको एडिट में नहीं निकलता है, तो इसलिए इस तरीके से पहले एडिट से हटाना होगा। ये कर दिया, फिर ऑप्शन नंबर चौथा जो आएगा फिर डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद और इसको यहाँ लगा दें। अब इसके जो ऑप्शन है वो हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे सब ऑप्शन नंबर एक था इसमें, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब फिर एडिट कर देंगे, ऑप्शन बी इसमें क्या था वो भर देते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम भर देते हैं। इसको बोल के यहाँ से नॉर्मली भर सकते हैं। अभी आपका टेम्पलेट बन चुका है, और वो डिटेल देते हैं वो भी अभी आपको और बता देंगे किस तरीके से ऑप्शन भरते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये आप अपनी टेम्पलेट लगा सकते हैं किस तरीके से, वो आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपको इस पे दाबना है, ये सेव दिख रहा है। इस पे दाबने के बाद यहाँ से कोई भी आप सेव लेके इसमें फिक्स कर सकते हैं। अब आप में इसमें लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब। इसके साइज को पहले बढ़ा देते, नहीं तो सिलेक्ट करके फिर बढ़ाना पड़ेगा। इसका साइज हम 36 कर देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं सब्सक्राइब। अच्छा, इसका बोल्ड और कर दो, सिलेक्ट किया और ये बोल्ड कर दिया। अब ठीक है, इसे टाइप करना है और इसे हटा देना है। यहाँ टाइप करके इसमें दो बार टाइप करना है और इसे हटा के यहाँ आगे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बना देना है, तो इससे देखने में अच्छा लगेगा। ये आपका टेम्पलेट बनके तैयार हो गया। ऊपर एक पट्टी लगाना चाहे वहाँ भी लगा सकते हैं, इससे और आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। इसमें कोई भी आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ये लेना चाहें तो हम ये लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले इस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, ताकि इस तरीके से यहाँ पट्टी इस पर भी लगा देंगे। जितना पतला करना चाहो तो पतला कर लो। यहाँ से इसका हम कलर बदल देंगे। कलर इस बार ये लगा देंगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। जो भी आपको अच्छा लगे इसमें लगा सकते हैं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। इसके ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद ये हो गया। इसके ऊपर भी आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम जो भी हो। जैसे हम इसके ऊपर दो बार टैप करेंगे, टाइपिंग आ जाएगी। जैसे हम अपने चैनल का नाम लिखना चाहेंगे तो हम अपने चैनल का भी नाम लिख देंगे, आसिफ अली टैप। लेकिन उल्टा लिख रहा है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके जैसे आपको ब्लैक बोल्ड जो करना हो यहाँ से इसको कर सकते हैं, और इसका ब्लैक करेंगे। और ये बनके तैयार हो गया टेम्पलेट आपका फुल। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी टेम्पलेट को, अब देखिए जब हम आपको ये टेम्पलेट देंगे, आपका जो भी चैनल नेम हो यहाँ में टैप करके हटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इस पे दाबना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, फिर एक नया पेज लेना, फिर इसी में इसको सेम पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, देखो सेम आ गए। फिर पेस्ट किया, फिर खाली आया, फिर पेस्ट किया। इस तरीके से आप जितने पेज बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर इसमें आपको क्वेश्चन टाइप करके बस बदलना होगा क्वेश्चन को। उसके बाद कैसे पीडीएफ बनानी है आपको वो भी दिखा देंगे।
देखिए हमने पेज बहुत सारे बना दिए हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम हो। क्वेश्चन 10 पेज की बना दी, वैसे आप भी इस तरीके से जब हम आपको ये पीपीटी देंगे तो आप भी बना पाएंगे, और जो चैनल नेम है वो भी आप हटा देंगे, बस पावर पॉइंट ऐप होना चाहिए। यहाँ हो गया, आप देखिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कितने पेज बना दिए, 11 पेज बना दिए। अब इसी पेज की आपको पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पे दाबना होगा, शेयर पे जाना होगा, फुल डॉक्यूमेंट पे जाना होगा, ये दिख रहा है पीडीएफ, और ये प्रेजेंटेशन। जब हम आपको देंगे तो प्रेजेंटेशन करके देंगे, और अभी आपको वीडियो, मतलब अभी वीडियो भी बनाना है, इसका बताना है किस तरीके से दिखेगा। तो इस पे पीडीएफ पे आपको दाब देना है, और ये नेट, ये पीडीएफ आपकी नेट खोलने पर ही बनेगी। तो 3 डॉट, शेयर, उसके बाद फुल और पीडीएफ, ये आपकी बन जाएगी पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद किसी को आप एक बार शेयर कर दें और आपके मोबाइल में आ जाएगी, वरना ये सेव का ऑप्शन नहीं देता है। गई, कुछ भेज देते हैं, ठीक है। अब इस पीडीएफ को खोलते हैं, यहाँ से सीधी पीडीएफ खोल ली। देखिए इस तरीके की आपकी पीडीएफ आ गई। अब इसको आप लैंडस्केप मोड पर नॉर्मली पढ़ा सकते हैं। चलिए इसको लैंडस्केप मोड पर करते हैं, फिर आपको पढ़ाकर और दिखाते हैं, ठीक है। और इसकी पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन पर और मेरे टेलीग्राम पर दोनों जगह मिल जाएगी। इसको एडिट करिए और अपने क्वेश्चन को और बनाइए, और स्टडी इन हिंदी जैसा वीडियो आप भी बनाना सीखिए, ठीक है। चलिए इसके मोड पर आ चुके हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है अब क्या वर्क करेगा। एक तो ये रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद आपको यहाँ से इसका पेन ले लेना, जो भी आपका ऑप्शन होगा। 36वें नेशनल गेम्स की समाप्ति में सिस्टर, ये गलत लग गया लेकिन इधर स्टेडियम था, ठीक है, वो अपना सही कर लेना, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ से इसका हम कलर बदल देते हैं, नहीं तो सेम है, ठीक है, ये आप देख लेना। तो आपका जो भी ऑप्शन हो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। और इसको आप हाइड कर देना, ठीक है, ये हाइड हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा, जूम आउट जितना आप करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया, वही बेर बेर क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। ये देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, 11। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आना चाहिए आपके फ़ोन में, इसलिए वो साइज और टेम्पलेट बनाया गया है। ये हो गया, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फिर 3 आएगा। जब पेन आपको यहाँ से ले लेना है, यहाँ से दाबना, आपका पेन आ जाए, और परमानेंटली निकालना है तो आपको ये दिख रहा, यहाँ पर आपको इसको एक बार क्लिक कर देना, तो आपके लिए जैसे आप काटोगे ये यहीं पर बना रहेगा। बस ये था पूरा, आपको हमने समझा दिया है, तो आई होप आप समझे होंगे। और इस वीडियो को कुछ भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा, इसको कैसे एडिट करना है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा मिनट का हो गया है, बस आपको इतना ही सिखाना था। पार्ट 2 में आपको बता देंगे इसको कैसे एडिट करना, नॉइस कैंसिलेशन कैसे करनी, स्क्रीन कैसे लगानी है, ग्रीन स्क्रीन। तो बस वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।